क्या है ना, मुझे भुट्टे खाने बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आज मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं भुट्टे की सब्जी बनाऊं, क्योंकि भुट्टे जब इतने सोंधे सोंधे से लगते हैं तो भुट्टे से बनी हुई सब्जी तो लाजवाब लगेगी ही। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैंने बनाया भुट्टे की सब्जी और ये बनी बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही अच्छा सा सोंधापन। तो चलिए आज आप भी बनाइए ये लाजवाब सी सब्जी जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूल। मार्केट से ले आई थी ढेर सारे भुट्टे और इन भुट्टों से बनाई मैंने लाजवाब सी सब्जी। ये सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले भुट्टे के दाने निकाल लेना है, तो दानों को निकालने के लिए चाकू का इस्तेमाल करें। इस तरीके से सारे भुट्टे के दाने निकाल लें। एक कटोरी में थोड़े से भुट्टे के दाने अलग कर लेना है और बाकी जितने हैं सारे के सारे मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसे एकदम बारीक पीस लेना है। पानी बहुत ज्यादा ना डालें, नहीं तो फिर बैटर गीला गीला सा बनेगा। तो इन पिसे हुए भुट्टों को निकाल लेना है बड़े से मिक्सिंग बॉल में और इसमें जो भुट्टे के दाने हमने बचाकर रखे थे उसको भी डाल देंगे। दो बड़ी सी प्याज बारीक कट करके डालेंगे, दो हरी मिर्च डालेंगे और मुट्ठी भर हरा धनिया डालेंगे, आधी कटोरी बेसन डालेंगे और दो चम्मच के करीब सूजी डालेंगे। सूजी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालना है। एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच देगी मिर्च डालना है और नमक स्वादानुसार डालना है। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पून से मिला लें या फिर हाथ का इस्तेमाल करके इसे मसल मसल कर अच्छे से मिला लें। ये पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल इसी तरीके से ये बैटर तैयार करना है। ज्यादा पानी डाल देंगे तो ये काफी गीला गीला सा हो जाएगा, फिर पकौड़े अच्छे से बनाते नहीं बनेंगे। तो अभी इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। गर्म गर्म तेल में इसे छोटे छोटे पकौड़े बनाकर डीप फ्राई करना है। आप अपने मनपसंद शेप में भी इसे बना सकते हैं। अगर आप पकौड़ों का शेप बड़ा रखना चाहते हैं तो आप बड़े बड़े से पकौड़े बना सकते हैं। इसे मीडियम और लो फ्लेम पर ही डीप फ्राई करें, इससे ये पकौड़े सुनहरे से और ज्यादा सोंधे सोंधे से बनेंगे। और हाँ, इन पकौड़ों को आप चटनी के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अभी ये पकौड़े बनाती हूँ तो थोड़े से चटनी के साथ सर्व कर देती हूँ और थोड़ी सी सब्जी बना लेती हूँ। दोनों ही टेस्ट का मजा मिल जाता है और दोनों ही टेस्टी बनते हैं। तो ये पकौड़े तो हो गए हैं सुनहरे और काफी क्रिस्पी से भी दिख रहे हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम तड़का लगाएंगे, तो दूसरी कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करें। जीरा, लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ता का तड़का लगाना है। जैसे ही जीरा चटकने लगे इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन, मिर्ची और प्याज का पेस्ट। मीडियम फ्लेम पर प्याज को सुनहरा होने तक पका लेना है। जब ये प्याज हल्की हल्की सी सुनहरी होने लगे तब हम इसमें डालेंगे पिसे हुए टमाटर। दो बड़े लाल लाल से पिसे हुए टमाटर डालना है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और साथ में मसाले भी। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच देगी मिर्च। देगी मिर्च से टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसे जरूर डाल लें। मसालों को टमाटर के साथ ही पका लेंगे। टमाटर और मसाले साथ में पक जाएंगे और मसालों में जब ऊपर तेल निकलने लगे, मसाले तेल छोड़ दें, तो समझिए कि मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो इसे मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर तक अच्छे से पका लेना है और मसाले जब पक जाते हैं तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगती है। मसालों को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो ग्रेवी जितनी रखनी है आपको पानी उतना ही डालें। बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे तो ग्रेवी पतली हो जाएगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बड़े ध्यान से 1 गिलास पानी मैंने डाला है और नमक भी इसमें स्वादानुसार डाल देते हैं। जब इसमें उबाल आ जाएगी तब इसमें हम पकौड़े डालेंगे। तो अभी गैस के फ्लेम को हाई कर लेते हैं और ग्रेवी में उबाल आने देते हैं। जैसे ही ग्रेवी में उबाल आ जाएगी इसमें हम कॉर्न के पकौड़े डाल देंगे। बस इसे अच्छे से मिला देना है और ढक कर इसे 2 से 4 मिनट तक पका लेना है। इसे बहुत देरी तक पकाने की जरूरत नहीं है और ना ही हाई फ्लेम पर। गैस के फ्लेम को एकदम लो कर दें और 2 से 4 मिनट तक इसे पकने दें। बीच बीच में इसे चलाते रहें ताकि ये पकौड़े बराबर से सॉफ्ट हो जाएं। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है सब्जी में। तो इसे डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए और ढक दें। बस जब ये पकौड़े सॉफ्ट हो जाएं तब इसमें हरा धनिया डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। बिल्कुल इस तरीके से ये सब्जी बनाएंगे, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो अभी ये गर्मा गर्म सब्जी खाने के लिए रेडी है। इसे अपने मनपसंद रोटी या चावल के साथ खाएं, बहुत ही लाजवाब बनी है। तो एक बार इस तरीके से ये कॉर्न की सब्जी तो ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अभी इसे सर्व करने से पहले इसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। क्रीम ना हो तो दूध की मलाई को फेंट लें और उसको इस तरीके से
डाल दे। बस ये रेस्टोरेंट जैसी सब्जी घर पर बन करके है तैयार, तो फटाफट से आप भी ये लाजवाब सी सब्जी बना करके खाइए और मुझे कमेंट करके फटाफट से बताइए कि आपको ये लाजवाब सी सब्जी का टेस्ट कितना ज्यादा पसंद आया। ये कॉर्न की सब्जी बहुत ही सोंधी सोंधी सी लगती है, तो बारिश के मौसम में अगर आप कुछ टेस्टी सा बनाने की सोच रहे हैं तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। बारिश के मौसम में ये बेस्ट ऑप्शन है आपको कुछ टेस्टी सा बनाकर खाने का। दोस्तों आपको ये टेस्टी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी टेस्टी लाजवाब एकदम नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।